अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चुकी है एक प्यारी सी सुबह और सुबह सुबह से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग, राम राम जी। और हम अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा दौड़ भाग में लगे हुए रहते हैं, ये काम वो काम, कभी अपने लिए जो है वो समय नहीं निकालते। तो मेरा भी बस ये सुबह सुबह से यही होता है कि फटाफट से बच्चों को स्कूल भेजना है और लेट हो जाती है। अभी नहा के आई हूँ तो थोड़ा सा स्किन केयर जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। बस मेरा यही है जो मैं सुबह लगा देती हूँ ना, क्रीम वगैरह, थोड़ा मॉइस्चराइज़र। बाकी दिन भर तो टाइम ही नहीं लगता क्योंकि हम दिन भर घर में ही रहते हैं। अगर तो कहीं जाना हो तो स्पेशल केयर कर भी लें, लेकिन जब घर में ही होते हैं तो घर में काम ही दिखता रहता है, अभी ये कर लें, अभी वो कर लें, तो ऐसा चला रहता है। तो सुबह सुबह बहुत गहन विचार करने के बाद मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए, सब्जी में कुछ ऐसा जो बच्चों को, स्कूल को भी हो जाए और हमारे लिए दिन को भी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगा लिया है, पीने को कोसा गर्म पानी जो है ना वो मैं पीती हूँ सुबह सुबह से। वैसे हमारे घर में ना सभी पीते हैं कोसा गर्म पानी। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर व्यस्त अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, उनको मैं ठीक कर रही हूँ। उतने में मुझे दिख गए यहाँ पर 5-6 लाल लाल टमाटर, और मैंने सोचा क्यों ना टमाटर की सब्ज़ी बना लूँ मैं। और ये सब्ज़ी जो है ना मेरे घर में बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को काफ़ी पसंद है। खट्टी मीठी चटपटी जो है मैं टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये टमाटर जो है ना पतिदेव जो है पूरी क्रेटी लेकर आए थे मंडी से, और वो मुझे बोल भी रहे थे कि तू टमाटर नहीं डाल रही सब्ज़ी में, ये ना ख़राब हो जाएंगे ऐसे रखे रखे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर इतने लाल लाल है ना, सच्ची में इन लाल लाल टमाटर की तो इतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी कि मतलब इनको देख के ना मुंह में पानी आ रहा था, इतने अच्छे थे ये देखने में। मतलब होते हैं ना एक की एक तो होता है ना कि ऐसे ये देखने में, और एक होता है बहुत ही सुंदर थे देखने में भी। और मुझे लग रहा था कि इसमें तो कलर किया हुआ है शायद, कलर करके इतने लाल लाल हुए हुए। आजकल हमारे नहीं हैं, हमारे तो अब लगना शुरू हो रहा है यहाँ पर। तो जहाँ कहीं के भी आ रहे हैं ये, वहाँ के भाई वाकई में मज़ा है ऐसे लाल लाल टमाटर खाने से। अभी देखिए पानी गर्म जो है वो मैंने निकाल लिया है पीने के लिए। तो ये पानी जो है मैं खाली पेट सुबह पीती हूँ, उसके बाद फिर 10-15 मिनट 20 मिनट तक कुछ और नहीं खाती पीती, उसके बाद फिर चाय होती है। तो इस तरह से जो है मेरा रूटीन चलता है सुबह के टाइम, जैसे 8-10 काम कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं कुछ इस तरह से खाती पीती हूँ। और सुबह सुबह से 1-2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, कोसा गर्म पानी। ये हमारी जो एनर्जी होती है ना इकट्ठी हुई रात की, उसको ना ये रिचार्ज कर देता है। जैसे मतलब सुबह के टाइम कितने डल से उठते हैं ना कई बार, और कोसा गर्म सा पानी पीना चाहिए, उसको पी के कैसे एकदम से एनर्जी आ जाती है ना। अभी तो 4 ही आए हुए पापा, फिर अभी 1 टमाटर रहेंगे ना तब 5 हो जाएंगे। लो रख दो वहां पे, मैं काट लूंगी। ठीक है, और यहाँ पे नैना होगी बहुत ही खुश क्योंकि उसकी फेवरेट टमाटर की सब्जी बन रही थी यहाँ पे। और देखो लेके भी आई है, सिफारिशें लगा रही है मेरे पास कि मम्मा जल्दी से बना दो, मुझे ना इसके साथ रोटी भी खानी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का तेल, उसमें डाल दिया है 1 चम्मच मेथी का, क्योंकि टमाटर जो होते हैं ना उनकी तासीर जो होती है वायु होती है, तो मेथी डाली। और साबुत जीरा ना भाई ख़त्म हुआ भाई, मेरे साबुत जीरा नहीं था तो इसलिए मैंने मेथी डाली है, प्याज डाले हैं। कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें इतनी, इसको बिल्कुल इस तरह से बनाऊंगी ना मैं, जैसे वो नहीं होती शेज़वान सॉस बोलते हैं, जैसे उस तरह से ये कुछ बनती है, खट्टी मीठी तीखी थोड़ी सी ना, और बहुत अच्छी लगती है। और अभी क्या था कि सुबह सुबह से जल्दी का काम था, तो मैंने सोचा टमाटर ऐसे ही तो पकते काफ़ी टाइम लगा देंगे, तो मिक्सी को निकाला और मिक्सी जार जो बड़े वाला है ना उसमें मैं ये टमाटर जो है उनको 1-2 बारी चला लूँगी ताकि अच्छे से इनका पेस्ट बन जाए। और जब पेस्ट बन जाएगा बस उसके बाद तो फटाफट से कुक हो जाती है हमारी सब्ज़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप लोग ना ट्राई कीजिएगा ज़रूर, जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो सिर्फ टमाटर ही टमाटर को इस तरह से बना कर देखिएगा, आप मतलब 4 की जगह 5-6 रोटियां खा जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये। कभी जैसे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, होता है ना कई बार जैसे बुखार हुआ हुआ था, मुँह का स्वाद ठीक नहीं आया है, बुखार ठीक हो गया है मुँह का स्वाद अभी भी ख़राब है, तो फिर उस टाइम आप ये खा के देखें तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है इससे भी। Thank you.
अभी ना मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जब मैं वीडियो एडिट की, तो और वहाँ पे मैंने देखा मेरी एक व्यूवर ने मुझे कमेंट किया कि मैंने कल डाली थी हिमाचली फेमस डिश सिड्डू वाली वीडियो, तो उसमें कमेंट मुझे आया हुआ है कि जब पुराने टाइम में ईस्ट नहीं होता था, अभी तो बाज़ार में इंस्टेंट ड्राई ईस्ट आना शुरू हो गया है ना, तो जब वो नहीं होता था तो क्या यूज़ करते थे सिड्डू बनाने के लिए, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, शायद बेकिंग सोडा यूज़ करते होंगे या फिर होममेड ईस्ट जैसे आटा खट्टा करके ना और उससे बनाते होंगे, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और अभी टमाटर को तड़कने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ, जो मेरा मिक्सी का जार है ना बड़े वाला, उसको भी धोने लग गई हूँ, अच्छे से वॉश कर लूँगी इसको, क्योंकि जो काम साथ साथ निकल जाता है ना वो ठीक रहता है। अभी क्या है ना कि ये गीला भी है और अभी ताज़ा ताज़ा है, तो फटाफट से साफ़ हो जाएगा, बाद में जब मैं सारा काम निपटाऊँगी, सारे बर्तनों को धोऊँगी, तब तक ये ना मतलब टमाटर इसमें जम जाते हैं इधर उधर, और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको साफ़ करते हुए। तो अभी बस मेरा ये है कि मैं साथ साथ इसको भी साफ़ कर लूँगी, और नैना फिर से यहाँ पे आ गई है पूछने के लिए कि मम्मा कब तक बनेगी सब्जी, मुझे भूख लग रही है। मतलब बच्चों का ये है कि जब कोई इनकी पसंदीदा चीज़ बनती है ना तो बस ये यही वेट करते रहते हैं कि कब बनेगा कब बनेगा, हमें खाना भी है। और इसको सबसे पहले यही है कि मुझे स्कूल को लेट हो जाएगी, मैं नहीं खा पाऊँगी, तो मैं इसको बोल रही थी बेटा नहीं स्कूल को लेट नहीं होगी और बन जाएगी आपकी सब्जी जो है टाइम से, तो आप खा भी लेना, स्कूल को भी ले जाना, काफ़ी खुश हो गई थी ये। तो बस यहाँ पर मैंने धो दिया है इसको, और इसको ना मैं इसके खाने पे रख ही दूंगी, क्योंकि नीचे रखे रहते हैं ना बर्तन ऐसी, तो ऐसी वो बोलते हैं ना हमारे खलारा पड़ा हुआ रहता है, तो जो जहाँ से चीज़ निकाली उसको वहीं पे वापस रख दें तो ज़्यादा खलारा जो है वो नहीं पड़ता है, और वैसे तो बड़े परिवार में ना हो ही जाता है खलारा, तो बहुत ज़्यादा पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि ना हो ज़्यादा। तो अभी टमाटर में थोड़ी उबाली आने लगी थी, अभी मैंने इसमें 2-3 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए हैं, आप यहाँ पे शक्कर या गुड़ भी डाल सकते हैं, तो इससे टमाटर जो है बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं लगते, और इसको ना मैंने धो के मिक्सी में ग्राइंड किया है, तो उससे भी खट्टा पानी जो है वो निकल जाता है टमाटर का, ज़्यादा खट्टे नहीं लगते। तो फाइनली सब्जी वगैरह बनाने के बाद अभी अब पीऊँगी मैं चाय, अभी मैंने चूल्हे में आग भी नहीं जलाई है, और आज वीरवार है तो आज ना मिट्टी से लिपाई भी नहीं करते हम चूल्हे की, तो ऐसे ही करना पड़ेगा साफ थोड़ा थोड़ा, आज के दिन ना पीली मिट्टी से लिपाई नहीं करते। नठल्ला है ये, नठल्ला नहीं है भाई यार वो। नैना आपका बैग कहाँ है, दो इधर गुद करूँ आपकी। तो नैना का ना इतना ड्रामा रहता है ना स्कूल जाने के लिए, गुत बांधने को ना बड़ा वो ड्रामा करती है कि नहीं मम्मा मुझे खुले बाल ले जाने हैं, बहुत बच्चे खुले बाल लेके आते हैं लेकिन फिर बाल जो है ना बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं इसके, तो मानती नहीं है। और यहाँ पे देखिए जी टमाटर की सब्ज़ी, आप देख के शक्ल देख के ही लग रहा है पता कि कितनी ज़्यादा यम्मी बनी होगी। और बच्चों को स्कूल भेज दिया, नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया, अभी मैंने खाना खुना बनाने का काम निपटा लिया था, तो मैं भी लगी हूँ नाश्ता करने। तो चलिए जी आप लोग भी हमारे साथ टमाटर की सब्जी और साथ में गेहूं की रोटी खा के आनंद लीजिए। खुमानी के पेड़ में कभी आम लगते हैं क्या? नहीं इसमें खुमानी लगते हैं, ये खुमानी का पेड़ है, आम का पेड़ थोड़ी है, इसमें लगा लेंगे। आम के पेड़ में आम लगते हैं। और यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब जी बोल रहे हैं कि मम्मा इसमें ना आम लगेंगे और हम आम खाएंगे, बोलो खुमानी के पेड़ में आम लगेंगे और तब ये आम खाएंगे, तो मैं इसको समझा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए शाम का टाइम है, मैं और सार्थक घास को गए थे हरा घास काटने, वहाँ से आए हैं वापस, और ये दो देवियाँ देखिए यहाँ पर होमवर्क करने के लिए बैठी हुई हैं। अभी शाम का टाइम है, पशुओं का काम करना है, उबरे का काम करना है, और अभी सोचा नहीं है कि रात को मैं डिनर में क्या बनाऊँगी, तो चलिए जो भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी कल के व्लॉग में। और चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, बाय, जय सियाराम।